तो ये है फायरबोल्ट का न्यूली लॉन्च फायरबोल्ट आर्टिलरी स्मार्ट वॉच, और इसे जो मैं यहाँ पर दो दिन से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया एक स्मार्ट वॉच है ये। और इसमें आपका पर जो फीचर्स भी जो है काफ़ी भर भर के मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको जो है GPS का फीचर दिया गया है, मोशन सेंसर मिल जाता है गेमिंग के लिए, एंड कॉलिंग फीचर वगैरह भी है। तो काफ़ी सारे फीचर्स है, सबके बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जो इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए जो वॉच को निकाल कर साइड में रख लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में क्या है। तो यहाँ पर आपको जो एक वायरलेस चार्जिंग केबल मिलता है, तो ये जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है। बाकी हमेशा की तरह आपको यहाँ पर जो कि यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड और कुछ सब्सक्रिप्शन कार्ड देखने को मिल जाएंगे बॉक्स में। तो ये रहा हमारा स्मार्ट वॉच। तो सबसे पहले जो इसे इसके ऐप से जो है कनेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो है प्ले स्टोर से FB एक्टिव नाम का जो एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप में आते ही आपको यहाँ पर जो ऐड डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है वॉच का नाम शो कर देगा। तो वॉच को मोबाइल से कनेक्ट करना जो है काफ़ी ईजी आप कर सकते हो, बट इसका ऐप जो है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, काफ़ी बार जो है क्रैश होता रहता है। वॉच को मोबाइल से कनेक्ट करते टाइम जो इसका ऐप जो है एक दो बार क्रैश भी हुआ था। ऐसा हर बार नहीं होता है, बट कभी कभी होता है, इसलिए जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये जो है ना फायरबोल्ट की तरफ से एक बजट रगेड स्मार्ट वॉच है, और ये जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखता है। मुझे पर्सनली वॉच यहाँ पर जो है लुक्स के मामले में तो काफ़ी सही लगा, काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर जो एक रगेड लुक देखने को मिलता है इस प्राइस में। और ये जो डिस्प्ले के ऊपर का डायल है ना, वो यहाँ पर जो है मेटल का है, बाकी पूरा वॉच जो है पीछे की तरफ से प्लास्टिक का ही है, लेकिन थोड़ा सा जो है हार्ड क्वालिटी का प्लास्टिक इन्होंने यूज़ किया, इसलिए इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो अच्छा है। और साइड में आप देख रहे हो ना गोल्ड कलर का, ये भी जो है मेटल का ही है। और ज़्यादातर जो रगेड स्मार्ट वॉच होते हैं ना वो थोड़े से बल्की और थोड़े से मोटे होते हैं, तो ये वॉच भी जो साइड से थोड़ा सा जो है मोटा है। और हालांकि जो एक रगेड स्मार्ट वॉच है, फिर भी इसका जो डायल है ना उतना बड़ा नहीं है, थिन हैंड्स में जो वॉच काफ़ी बढ़िया लगता है, बाकी मीडियम और लार्ज हैंड्स में तो जो है डेफिनेटली ये अच्छा ही लगेगा। और इसका जो स्ट्रैप का क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी सही है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़े से हार्ड ही है स्ट्रैप, क्योंकि आपने देखा ही होगा ज़्यादातर जो रगेड स्मार्ट वॉच होते हैं उसमें स्ट्रैप भी जो है थोड़े से हार्ड ही रहते हैं। बाकी इसमें जो है साइड में आपको दो फिजिकल बटन मिल जाते हैं, जो ऊपर वाला बटन है उससे यहाँ पर आप जो वॉच के मेन मेन्यू में जा सकते हो, और जो नीचे वाला बटन है वो यहाँ पर जो है GPS इनेबल्ड स्पोर्ट्स मोड का जो एक शॉर्टकट बटन है, लेकिन इसे आप जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है सेटिंग में आओगे तो आपको यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिखेगा की डेफिनेशन बोलकर, तो इस पर आके अपने हिसाब से आपको जो भी कमांड देना है नीचे वाले बटन को दे सकते हो, इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बाकी पीछे की तरफ तो आपको यहाँ पर जो है सभी सेंसर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक तरफ जो है माइक है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो स्पीकर दिया गया है, क्योंकि ये जो है ना कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। तो मुझे पर्सनली ये वाला जो स्मार्ट वॉच है ना लुक्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। आप लोग भी जो नीचे कमेंट करके बताओ कि वॉच जो है दिखने में कैसा है। एंड इसमें आपका पर जो है डिस्प्ले के ऊपर एक डायल मिलता है, इसलिए इसमें जो है बेजल्स काफ़ी कम है। और ये जो है ना 1.5 इंच का जो एक TFT डिस्प्ले है, जिसमें 400x400 पिक्सल का हाई रेजोल्यूशन है। हाई रेजोल्यूशन की वजह से डिस्प्ले में आपको यहाँ पर जो है कलर्स वगैरह काफ़ी डार्क और काफ़ी वाइब्रेंट देखने को मिलते हैं, तो डिस्प्ले क्लैरिटी इसका काफ़ी अच्छा है, और बाकी UI भी काफ़ी स्मूथ वर्क करता है। लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता वॉच को यूज़ करते टाइम, बट इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो जो है मुझे थोड़ा सा डिसेंट लगा। मेन्यू में स्क्रॉल करते टाइम जो अपने आप ही जो है किसी भी ऑप्शन पर क्लिक हो जाता है, और मैंने यहाँ पर जो है वॉच को काफ़ी देर तक जो है आउटडोर में भी यूज़ किया था, तो आउटडोर विजिबिलिटी अच्छा है इसका। एंड रेस्ट वेक भी जो है काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, काफ़ी इंस्टेंटली जो है यहाँ पर डिस्प्ले ऑन हो जाता है, तो काफ़ी सेंसिटिव है इसका रेस्ट वेक, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। इतना ही नहीं, इसमें जो एक TFT डिस्प्ले, फिर भी इसमें आपको यहाँ पर जो है ऑलेसन डिस्प्ले का फीचर मिलता है, लेकिन जो ऑलेसन डिस्प्ले का ब्राइटनेस है ना वो उतना अच्छा नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट में जो है बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। बट ठीक है, TFT डिस्प्ले होने के बावजूद भी इन्होंने जो है ऑलेसन डिस्प्ले का फीचर प्रोवाइड किया है इसमें, बट ऑलेसन डिस्प्ले ऑन रखोगे तो बैटरी जो है थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेन होगा इसका। एंड वॉच में आपका पर जो है इनबिल्ड जो है 4 से 5 वॉच फेस मिल जाते हैं, और इसके ऐप में तो आपका पर जो है काफ़ी सारे वॉच फेस के ऑप्शन मिल जाएंगे, पूरा कैटेगरी वाइज जो है सेट किया इन्होंने, और खुद के फोटोज़ वगैरह भी आप जो है लगा सकते हैं वॉच फेस की तरह इसमें। और इस वॉच में यहाँ पर जो स्पोर्ट्स मोड भी आपको जो है काफ़ी सारे मिल जाते हैं एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए, बट इसमें से जो है सिर्फ 3 ही स्पोर्ट्स मोड यहाँ पर जो है GPS को सपोर्ट करते हैं, जो यहाँ पर आउटडोर रनिंग, आउटडोर वॉकिंग और बाइकिंग। और इसमें जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड का एक्यूरेसी अच्छा है। सबसे पहले यहाँ पर जो है 110 स्टेप जो है चल कर आया था, तो वॉच ने यहाँ पर जो 116 स्टेप्स को काउंट किया। उसके बाद जो मैं यहाँ पर एक्जैक्टली 200 स्टेप्स चल कर आया, तो वॉच ने जो है 210 स्टेप्स को काउंट किया। और इसमें आपका पर जो है इनबिल्ड GPS नहीं मिलता, यहाँ पर आपको जो है इन ऐप GPS का सपोर्ट मिलता है, मतलब जो वॉच है ना आपके फ़ोन का ही जो है GPS यूज़ करता है रूट ट्रैक करने के लिए। और जैसे ही यहाँ पर आप जो है वॉच में GPS इनेबल्ड स्पोर्ट्स मोड को ऑन करते हो, तो मोबाइल में भी जो है वो वाला स्पोर्ट्स मोड जो है ऑन हो जाता है। बाकी वही आपका एक्टिविटी जो है पूरा एंड होने के बाद जो आपको पूरा एक्टिविटी का जो है डिटेल्स देखने को मिल जाएगा मोबाइल में आपके रूट के साथ पूरा। और देखिए तो ये वाला जो स्मार्ट वॉच है ना यहाँ पर IP68 वाटर रेजिस्टेंट है, और हेल्थ से रिलेटेड फीचर्स भी आपको इसमें जो है काफ़ी सारे मिलते हैं, जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, इवन थर्मामीटर भी इसमें, तो आपका टेम्परेचर वगैरह भी शो कर देता है वॉच में ही। इतना ही नहीं, इसमें जो यहाँ पर ECG भी है, और जो यहाँ पर ECG का ग्राफ है ना वो आपको इसके ऐप में शो कर देगा। तो हेल्थ से रिलेटेड फीचर्स तो आपको काफ़ी सारे मिलते हैं, और इनका एक्यूरेसी भी अच्छा है, बट कम्प्लीटली आप जो है रिलाई नहीं कर सकते इस पर।
और इसमें जो है यहाँ पर कॉलिंग का भी फीचर है, तो वॉच में आपका जो है रिसेंट कॉल्स का ऑप्शन मिल जाता है, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिया गया, तो थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पर आप जो सेव करके रख सकते हो इसका ऐप को यूज़ करके। बाकी डायल पैड भी है, तो नंबर वगैरह डायल करके यहाँ पर आप जो है डायरेक्टली वॉच से किसी को भी कॉल वगैरह कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसमें यहाँ पर जो है वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर है, तो वॉच से यहाँ पर आप जो है कमांड्स वगैरह दे सकते हो। और इसमें आपका पर जो है वॉच को म्यूट पे रखने का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप जो सेटिंग में आओगे तो यहाँ पर आपको जो है रिंगटोन सेट करने का एक ऑप्शन दिखेगा, तो इसमें आके यहाँ पर आप जो है कॉल के लिए, अलार्म के लिए या फिर नोटिफिकेशन के लिए जो है रिंगटोन सेट कर सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ पर जो है कॉल आते टाइम कुछ भी रिंगटोन वगैरह नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ पर आप जो है नन पर क्लिक कर देना। तो अभी जो यहाँ पर आप साउंड सुन रहे हो ना, वो जो है मैंने इसी वॉच के जो है माइक से रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ पर आप जो है साउंड सुन के जज कर सकते हो कि इसका जो माइक क्वालिटी है वो कैसा है। इतना ही नहीं, इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स है, जैसे कि गेम्स। यहाँ पर आप जो है गेम्स वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको जो है एक भी गेम्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि गेम्स को जो हमें इसके ऐप से जो इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर आप जो है ऐप में आके यहाँ पर आप जो है ऐप्स मार्केट में आओगे तो यहाँ पर आपको जो है 7 डिफरेंट गेम्स दिख जाएंगे, तो इसमें से कोई भी गेम यहाँ पर आप जो इंस्टॉल कर सकते हो स्मार्ट वॉच में। तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला जो गेम है इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो गेम जो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर स्मार्ट वॉच में, देखते हैं एक बार गेम्स वाले ऑप्शन में जाके। तो जैसे यहाँ पर आप जो है गेम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो गेम आपने डाउनलोड किया होगा वो यहाँ पर जो है प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें आपका पर जो है 7 डिफरेंट गेम्स मिलते हैं, जो कि आप जो इसके ऐप में जाके इंस्टॉल कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसमें आपका पर जो है वॉच में एक मोशन सेंसर भी दिया है गेमिंग के लिए, तो यहाँ पर आपको जो है अलग से कुछ भी गेम्स वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐप में ही आपको यहाँ पर जो है कुछ गेम्स मिल जाएंगे, 7 से 8 कुछ गेम्स है यहाँ पर, तो इन्हीं गेम को यहाँ पर आप जो है मोशन सेंसर की मदद से जो खेल सकते हो। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर जो टेनिस वाला गेम है ना उसे यहाँ पर से प्ले कर लेता हूँ। ये डायरेक्टली जो है ऐप में ही प्ले हो जाता है गेम, और इसे यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से आप खेल सकते हो, देख लो थोड़ा सा डेमो। और इसमें जो है ना यहाँ पर ई कार्ड्स का भी ऑप्शन है, जिसके बारे में हमने जो है काफ़ी बार बात किया हुआ है। तो बेसिकली ये सब जो यहाँ पर सोशल मीडिया है ना उसके आप क्यूआर कोड रख सकते हैं वॉच में। तो इसके ऐप में जाके यहाँ पर आप जो है क्यूआर कोड को ऐड कर लेना, जिस भी सोशल मीडिया का आपको क्यूआर कोड ऐड करना है उस पर क्लिक करके। उसके बाद सिंपली किसी भी क्यूआर कोड स्कैनर से इसे स्कैन करोगे तो जिसका भी आपने जो है क्यूआर कोड ऐड करके रखा है तो उस पेज पर आप चले जाओगे ऑटोमेटिकली। और बात करें तो इसमें आपका पर जो है NFC का भी फीचर मिलता है। इतना ही नहीं, इसमें आपका पर जो है SOS का भी फीचर मिलता है। तो सिंपली यहाँ पर आप जो है SOS पर क्लिक करते हो तो वॉच में यहाँ पर जो है जोर जोर से एक सायरन बजने लग जाता है। और भी काफी सारे फीचर्स है इसमें, जैसे कि स्लीप मॉनिटर, कैमरा और म्यूजिक को भी यहाँ पर आप जो स्मार्ट वॉच से कंट्रोल कर सकते हो। अलार्म का भी ऑप्शन है, लेकिन अलार्म आपको जो इसके ऐप से ही सेट करना पड़ेगा। बाकी गाइडेड ब्रीदिंग का ऑप्शन दिया गया है, इवन कैलकुलेटर भी आपको इसमें मिल जाता है। और कुछ बेसिक से फीचर्स है जैसे कि टाइमर, स्टॉप वॉच, फाइंड माई फोन का ऑप्शन है इसमें। और सेटिंग में और भी कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आके जो है लैंग्वेज वगैरह को चेंज कर सकते हो, और पासवर्ड अगर आपको लगाना है स्मार्ट वॉच में तो पासवर्ड भी लगा सकते हो अपने हिसाब से आप इसमें। और टाइम वगैरह को भी यहाँ पर आप जो डायरेक्टली स्मार्ट वॉच से ही सेट कर सकते हो, गलत हो जाता है तो टाइम अगर वॉच में। और स्मार्ट वॉच में आपको यहाँ पर जो है सभी टाइप के नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं, 1 से 2 लाइन तक का जो है मैसेज पढ़ सकते हो आप स्मार्ट वॉच में ही। और ये जो है कॉलिंग स्मार्ट वॉच में, तो यहाँ पर आपको जो है कॉल नोटिफिकेशन भी मिल जाता है वॉच में ही। स्मार्ट वॉच से यहाँ पर आप जो है कॉल को कट कर सकते हो या फिर कॉल को लिफ्ट कर सकते हो। एंड बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो इस वॉच में यहाँ पर जो है 350 mAh की बैटरी का जो यूज़ किया गया है, और 6 से 7 दिन तक जो है वॉच चल जाएगा काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल यूज़ पर। एंड कॉलिंग वाला फीचर ज़्यादा यूज़ करोगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर ऑन रखोगे तो 3 से 4 दिन तक का जो है बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। एंड लास्ट में अगर हम जो इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो लॉन्चिंग प्राइस है ना यहाँ पर 2,499 रुपये है। एंड उस हिसाब से ये वाला जो स्मार्ट वॉच है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, दिखने में अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलता है, डिस्प्ले क्वालिटी भी जो है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा इसका। और वॉच का जो एक्यूरेसी है वो भी काफ़ी सही है, और फीचर्स वगैरह भी इसमें आपको जो है काफ़ी भर भर के मिलते हैं। तो अगर आपका बजट यहाँ पर जो है 3,000 रुपये के आसपास और आपको जो एक रगेड लुक वाला स्मार्ट वॉच चाहिए तो डेफिनेटली इसे एक बार चेकआउट कर लेना, काफ़ी सही है ये। तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी जो है जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।